घर से भागे प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं है ये मंदिर। खूब आव भगत के साथ रखा जाता है यहाँ जोड़ियों को। सुनने में नया है पर घर से भागे प्रेमी जोड़ी को मिलती है इस मंदिर में शरण। पांडवों से शुरू हुई परंपरा, जानिए शंखचूर महादेव मंदिर की पूरी कहानी। घर से भागे प्रेमियों के लिए आश्रय गृह यह परंपरा पर है। अपने प्यार की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घर छोड़कर भागे दुनिया भर के प्रेमियों को शिव के इस खास मंदिर में पनाह मिल जाती है। अगर पार्टनर को भले ही घर वाले नकार दे या समाज वाले किसी तरह की मदद ना दे सके, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में महादेव खुद प्रेमी जोड़ी को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बने प्राचीन शिव मंदिर को सारे देश में शंखचूर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई हजार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में और जानकारी देते हैं। भगवान करते हैं प्रेमी जोड़ियों की रक्षा। शंखचूर महादेव मंदिर कुल्लू की सौंज घाटी में मौजूद है। हरे भरे मैदानों से घिरा ये मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। मंदिर लगभग 128 बिग्गा में फैला हुआ है, जिसे वुड्सकट स्टाइल में बनाया गया है। आपको यहाँ कई चीड़ के घने पेड़ नजर आएंगे। साथ ही ये जगह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ ही स्थित है, जो एक विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। खूबसूरती के अलावा इस मंदिर की दिलचस्प बात ये है कि यहाँ प्रेमी जोड़ियों को आश्रय दिया जाता है। अगर कोई कपल घर से भागकर शादी करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। खाने पीने का भी किया जाता है इंतजाम। आपको बता दें कि यहाँ कपल किसी भी जाति धर्म के हैं ऐसा नहीं देखा जाता है। जो भी भगवान की शरण में आते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ जोड़ियों के आने के बाद उनका जिम्मा गांव वालों द्वारा उठाया जाता है। यहाँ पुलिस की भी कोई दखल अंदाजी नहीं होती। हर किसी को मानने पड़ते हैं नियम। गांव में लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन हर किसी को करना पड़ता है। जैसे यहाँ कोई भी शख्स शराब सिगरेट का सेवन नहीं कर सकता। यहाँ किसी भी चमड़े के वस्तु को ले जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ घोड़े की एंट्री मना है। यहाँ कोई भी व्यक्ति तेज आवाज में बात नहीं कर सकता है। लड़ाई झगड़ा करना सख्त मना है। साथ ही जब तक प्रेमी जोड़ियों की शादी से जुड़ी समस्याएं सुलझ नहीं जाती, तब तक उन्हें वहां से कोई नहीं हटा सकता। मंदिर के पुजारी उनकी रक्षा का ध्यान रखते हैं। महाभारत काल में पांडवों को दी गई थी यहां शरण। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने यहां शरण ली थी। जब कौरव उनका पीछा करते हुए यहां पहुंचे, तब पांडवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शंखचूर महादेव ने कौरवों को यह कहकर रोक दिया था कि यह मेरा क्षेत्र है और जो भी मेरे पास आएगा उस व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। महादेव के डर से कौरव वापस लौट गए थे। तब से लेकर आज तक समाज से ठुकराए हुए हर व्यक्ति या प्रेमी जोड़ियों के यहाँ शरण दी जाती है, जिनकी रक्षा खुद महादेव शिव करते हैं।